सुपर गाने चल रहे हैं यहाँ पर फीवर अनप्लग्ड पर। मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ एंड आई हैव विद मी श्रुति पाठक, ऑफ कोर्स हमारी सुपर टैलेंटेड सिंगर कम आरजे जो आजकल फीवर 104 एफएम पर गजलर्स, द स्पिरिट ऑफ गजल्स के साथ बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट को हम तक पहुँचाती है। एंड आई ऑल्सो हैव हृदय घटानी, इन दोनों के कोलैबोरेशन का एक खूबसूरत गाना, अ सिंगल जिसको हमने थोड़ी देर पहले इंजॉय किया, ब्रूनो मार्स का गाना जो है नथिंग on you and छाप तिलक का, बहुत ही बढ़िया combination we've been enjoying। लेकिन अब हम एक interesting subject पर आने वाले हैं। February का महीना है, yes, Valentine's Day is round the corner। हृदय, yes, क्या खूबसूरत चेहरा है आपका। क्या plans है? Actually कुछ plans नहीं है, मैं घर पे बैठ के See, कोई प्लान नहीं, सच्ची में कोई प्लान नहीं है। that's never, you know, you guys are so predictable। या तो आप कहते हो कि कोई प्लान नहीं है, या तो कहते हो कि अरे हमारे लिए तो हर दिन एक वैलेंटाइन डे होता है यार, मतलब नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं मेरे लिए तो सच्ची में कोई प्लान नहीं है। आई एम प्लानिंग टू रिलीज समथिंग ऑन दैट डे जो मैंने एक कॉम्पोजिशन किया हुआ है, आई प्लान टू रिलीज इट ऑन दैट डे, बट अदरवाइज कुछ नहीं। Wow, why don't you tell us something about that composition? So, basically, I'm doing a mashup of some very romantic tracks, Hindi and English, for that day. अभी तक तैयार नहीं है कम्प्लीटली, बट इट्स इन प्रोसेस, तो बट फॉर दैट्स ऑन बोर्ड फॉर द श्रुति, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा प्लान है कि मैं एक बड़ा बड़ा वाला कार्टन लाने वाली हूँ बैंडेड का। अच्छा, क्यों? उसको लेके घूमूंगी मैं बस। क्यों? मलहम दिल पर, ओह दर्द है लड़की में, दर्द है, क्या बात है, क्या मतलब लूप पर आसपास खुदा गाना होने वाला है। क्यों भाई ये मलहम, क्या जरूरत है यार इतनी प्यारी लड़की के लिए? आई थिंक वो दूसरों पे लगाएगी, खुद के लिए नहीं है वो। अच्छा, आई थॉट यू एक्चुअली गॉट इट। ओह माय गॉड, मैं बांटने वाली हूँ, मैं वही सोच रही हूँ खुद के लिए नहीं तो फिर तो डजन भर खरीदने पड़ेंगे। इसलिए तो बोला मैं पूरा कार्टन लाने वाली हूँ और मैं सबको बांटूंगी। अच्छा अच्छा, ले लो, तुम भी ले लो, फेंका फाकी चल रही है यहाँ पर, हमें पता है आपको कुछ नहीं करने वाले हो, बट अगर आपको एक रोमांटिक गाना हमारे लिसनर्स को डेडिकेट करना होता तो वो कौन सा होता? इनफैक्ट हृदय, रियली व्हाई कांट यू जस्ट प्ले एज अ मैशअप यार, इट विल बी वंडरफुल, प्लीज। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आवे, चैन हमें नहीं आवे, मोरा सैया मुझसे बोले राम, मोरा सैया मुझसे बोले राम। Wise men say, oh,
only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay, or would it be a sin if I can't help falling in love with you? Thank you, guys. ऐसा हो रहा है एकदम इमोशनल. माय गॉड, हवाएं रुख बदल चुकी हैं. हो इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सिंगर्स, आप किसी को भी पटा सकते हो. गाने गा लो, लड़का विद गिटार. हाँ, लड़का विद गिटार इज लाइक सबसे पहली कैटेगरी. अच्छा, कोई लड़का गिटार बजा रहा है, यही क्राइटेरिया. तो कभी काम नहीं किया. अच्छा, ये तुम कौन से कॉलेज में जाते हो? ऑल बॉयज कॉलेज में. देन यू शुड बी ग्लैड. आज का ये स्पेशल एपिसोड फीचरिंग हृदय घटानी एंड श्रुति पाठक, फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड कि दो सिंगर्स मेरे साथ फीवर अनप्लग्ड का हिस्सा है. आई एम रियली एंजॉयिंग इट. आपको कैसा लगा? हमारे लिसनर्स से मैं जानना चाहूंगी. जरूर फेसबुक या फिर ट्विटर पर आरजे उर्मिन के नाम से अपनी बातें छोड़ जाए. एंड यस, वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड. लेकिन उससे पहले कुछ और बातें, कुछ और खास गाने हम सुनना चाहेंगे. अच्छा, थोड़ी देर पहले वी कम्प्लीटली निग्लेक्टेड व्हाट हृदय इज डूइंग फॉर वैलेंटाइंस डे. लेकिन चलो अभी अजम्पशन पे डाल देते हैं, अगर हृदय को किसी के लिए गिफ्ट खरीदना होता तो वो क्या होता? वाओ, आई थिंक आई जस्ट रादर देन बाइंग समथिंग आई डू समथिंग स्पेशल. जैसे कि मैं एक गाना लिखता था किसी के लिए, रिकॉर्ड. और आई वुड डू समथिंग मोर स्पेशल. दिस इज वन ऑफ दोस वन. ओ हाँ, बोलना ही है, कहाँ जाएगी. वो रिस्क है ना कुछ खरीदने में. पसंद नहीं आया तो क्या बात है. अपनी फील्ड में कुछ कर लो तो अच्छा. exactly. करना हो तो मैं रेडियो पे उनका नाम अनाउंस कर लूं. खत्म, मेरा काम हो गया. नहीं, रेडियो पे ही कन्फेस कर लो. इवन बेटर फॉर यू श्रुति. हम लड़कियों के तो बहुत नखरे होते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कूल थिंग. होना भी चाहिए. बिल्कुल. एग्जैक्टली एक हफ्ता बचा है और द टेंशन इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन. तो अगर आपको फिर भी एक हफ्ते में कुछ भी प्लानिंग करनी हो, हाँ, तो क्या हो सकता है? ऑनेस्टली आई एम वेरी सिंपल. आई थिंक इफ समवन मीन्स व्हाट दे से, आई थिंक आई'd फील इट, एंड दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट. आई वुड जेन्युइनली बिलीव दैट डायमंड्स आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड्स. आई हैव रियल पीपल एज. वाह वाह, गहराई गहराई में चली गई है. फिर भी फिर से गहराई, क्या बात है यार. Loving it. So, मैं चाहूंगी कि अब एक ऐसे गाने से हम इस शो का अंत करें जो डिफाइन करता है प्यार कई सारे लोगों के लिए. एंड आई थिंक दोस्ती का होना बहुत जरूरी है बिटवीन टू पीपल. आई थिंक दोस्ती विल ऑलवेज स्टे एंड रिमेन इन पीपल्स माइंड्स. आई थिंक सो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. अरे यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर. बोलो ये जिंदगी है. अरे यारो, दोस्ती बड़ी हसीन है, ये न हो तो क्या फिर. बोलो ये जिंदगी कोई तो हो रसदार, बेगरस तेरा हो या कोई तो हो रसदार. तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दो, बन के हो दो साया बने तेरा वो दोस्त. नाचे भी वो तेरी खुशी में. अरे यारो, मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो
लो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो या जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो या अरे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है। ये गाना तब भी इमोशनल था जब आया था केके की आवाज में, आज भी उतना ही इमोशनल है। सुपर सुपर लविंग इट एंड गाइस थैंक यू सो मच। वाकई में ये दोस्ती काफी हसीन है और आपका तो ये गाना भी है हसीना तू कमीना नो कनेक्शन एट ऑल फिर भी बट वंडरफुल यार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मजा आ गया। एंड हमारे लिसनर्स को जाने से पहले एक छोटी सी बात कह जाती हूँ। अगले वीकेंड वैलेंटाइंस डे वाला वीकेंड है जहां हमारे साथ प्यार की कुछ खूबसूरत रोमांटिक गाने लेकर एक खास मेहमान होंगे। अब वो कौन है ये आपको इस वीक में धीरे धीरे मेरे फेसबुक या फिर ट्विटर पेज आरजे उर्मिन के नाम से अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो पता चलेगा ही, बट कीप गेसिंग क्योंकि ऐसे ही तो बनता है म्यूजिक का मूड। तब तक के लिए सुनते रहिए फीवर 104 FM, मैं हूँ आरजे उर्मिन आपके साथ एंड चल रहा था द फीवर अनप्लग्ड शो।